क्या क्या होने लग गया था थायराइड के कारण से? ओम बाबा जी, ओम, मेरे को इतना ये होता था, अंग की कांपनी होती थी, मैं रास्ते से जब चलती थी आपने आप किधर भी चली जाती थी, बैलेंस नहीं रहता था मेरा, बच्चों को छोड़ने जाती थी स्कूल में तो, और हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपते थे, कोई हाथ पैर कुछ रख दिया ऐसा तो गिर जाता था, हाथ सामने लिया तो। बाद में मैं वो पतंजलि की वो काढ़े वो पी, प्राणायाम करे तो उससे अच्छा हो गया। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोल रहे थे, मैं बोले मेरी गोली बंद हो गई, ऐसा नहीं हो सकता, बोले गोली कैसी क्या बंद हो गई, डॉक्टर बोल रहे थे ऐसा तो हो सकता नहीं, मैं बोली मैं चेक करा तो नॉर्मल आया मेरा रिपोर्ट। कब की बात है ये? 2015 में। लो अब 5 साल से कोई दवाई नहीं खा रही, और उस समय इसको दवाई खाते खाते हाथ और कांपने लग गए थे और शरीर में नुकसान भी, चेक करती रही थी बाबा जी, मैं अभी भी 1 महीना पहले चेक किया तो नॉर्मल ही है। तो थायराइड पूरा क्योर कर लिया। थायराइड की दवा खा खा करके लोगों का कैल्शियम वॉश आउट हो जाता है, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा था ज्योति का, और भी बीमारी और भी अच्छी की बाबा जी मैंने, वेरिकोज वेंस में मैं पूरे पैर मेरे काले पड़ गए थे। अच्छा। हाँ तो वो मैंने काढ़े लिए और प्राणायाम किया तो पैर मेरे काले से अच्छे हो गए। वेरिकोज वेंस भी अच्छा कर, मेरी कमर में इतना दर्द था, मैं 1.5 महीना बेड पे थी। 1.5 महीना? 1.5 महीना डॉक्टर ने बोला था 1 सेकंड भी नीचे नहीं बैठने का, मैं प्राणायाम से और योगा से वो अच्छा किया, वेरिकोज वेंस अच्छा कर लिया। मेरे को पायल सा बाबा जी ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी मैंने प्राणायाम से अच्छे किया। एक एक करके याद आ रहा है इसको। और ये थायराइड की प्रॉब्लम किससे आई थी आपको? वो मेरे रिश्तेदारों में थी सर। तो पूरी परिवार में थी? 2 छाया महाराष्ट्र से आई हुई हैं, दोनों की कल मैंने पूछा तो फैमिली हिस्ट्री में ही था, निकल गया। मेरे को गार्ड भी थी बाबा जी, हाँ वो गार्ड भी गायब हो गई। अब याद आ रही है एक एक चीज। वेरिकोज वेंस भी था, गांठ भी थी, गांठ भी भूल गई। अब मसूड़े में इतना दर्द था, ऐसी उंगली लगाई तो खून आता था उसमें से, अब दिन भर भी घसा तो नहीं आता खून। हेलो, वो पायरिया भी था, पायरिया भी ठीक होता है, फाइलेरिया भी ठीक होता है योग से। एक पिछले महाराष्ट्र की एक बहन आई थी उन्मेषणी, उन्मेषणी बोले जी फाइलेरिया, हाथ पैर ऐसे सूज गए थे, 1 साल लगातार किया, फाइलेरिया खत्म कर दिया। ये करना पड़ता है, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था बाबा जी, मेरे को नाक से श्वास नहीं ले जाता था, कभी सर्दी होगी तो 2.5 महीने मेरे को ऐसा मुंह से श्वास लेना पड़ता था। और महाराष्ट्र में कहाँ से हो आप? जालना से। जालना, महाराष्ट्र में सर्दी बहुत कम होती है, अब यहाँ देखो दिसंबर महीने में भी इसको सर्दी नहीं हो रही।